भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत, उनका रिसेंटली हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में निधन हो गया। उनका हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में हादसे का शिकार हो गया। उसमें 14 लोग सवार थे, जिसमें से 13 लोगों का निधन हो गया। इनमें बिपिन रावत जी की पत्नी भी शामिल है और ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अकेले इस हादसे में जीवित बचे हैं। CDS जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद अब देश के नए CDS कौन बनेगा, इस बात की चर्चा चल रही है। इनमें दो नाम सामने आ रहे हैं, नौसेना प्रमुख R. हरि कुमार और सेना प्रमुख MM नरवणे। इन दोनों का नाम सामने आ रहा है। पहली बार CDS सेना से ही बनाए गए थे, लेकिन इस बार नए CDS नौसेना या वायुसेना से बनाए जा सकते हैं। नौसेना प्रमुख R. हरि कुमार नौसेना प्रमुख बनने से पहले CDS जनरल बिपिन रावत के साथ उप CDS का काम कर चुके हैं। सरकार जल्द ही नए CDS की प्रक्रिया शुरू कर देगी। हम आपको ऐसी जानकारियां बताते रहेंगे। चैनल से चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।